हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए के स्टडी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों बी ए थर्ड ईयर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका भूगोल यानी कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट है और उनका सुदूर पूर्व एशिया सब्जेक्ट से बिलोंग कर रहे हैं, पेपर अभी चल रहा है उनके लिए। ये पेपर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे प्रश्न कितने लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है वो आपको यहाँ पे हम देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपका प्रश्न होगा और प्रश्न में आपके पेपर में किस तरीके से आए हैं तो ये सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे और पुराने छात्र छात्रा एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिना संकोच के पढ़ाई करिए और अच्छे से मर्जे से पढ़िए दोस्तों, क्योंकि ये सारे जितने भी प्रश्न हमने आपको एक एक करके बताने का प्रयास कर रहे हैं वो सारे आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं प्रश्नों में। हम लोग थोड़ा विलीन होंगे और प्रश्नों को अच्छे से हम लोग थोड़ा गहन अध्ययन करेंगे, किस तरीके से हमें तैयारी करना है, लिखना है कॉपी को। तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे आपको बता के रखा है और सारी आपको एक सुलभता से आपको तैयारी भी करना है। अब जैसे प्रश्न आपका आता है तो फर्स्ट नंबर प्रश्न दिया गया है यहाँ पर आपको। फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि मंचूरिया के औद्योगिक विकास के उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए, यानी कि जो मंचूरिया के औद्योगिक विकास है उनके उत्तरदायी कारकों के बारे में लिखिए। अब इसमें लिखेंगे जैसे अब मंचूरिया के जो औद्योगिक प्रदेश हैं उसमें क्या क्या चीज़ें स्थापित थीं, इनके प्रमुख कारण कौन कौन से हैं और इनको क्यों कहा गया है मंचूरिया का औद्योगिक प्रदेश के लिए मुख्य उत्तरदायी शब्द क्यों यूज किया गया है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम आपको बताएँगे। अब जैसे कृषि, वन एवं खनिज संपदा की प्रचुरता के कारण मंचूरिया को उज्ज्वल भविष्य का प्रदेश अथवा सुरक्षित भंडार का गोदाम कहा जाता है, यानी कि ये चीन का है दोस्तों। चीन की मंचूरिया प्रदेश है और चीन के जो मंचूरिया प्रदेश है इसमें ये सारी चीज़ें, जैसे कृषि के अंतर्गत वन एवं खनिज संपदा का जो प्रचुरता है, प्रचुरता का मतलब होता है दोस्तों कि हर परिपक्व, यानी कि ये क्या होता है कि इसमें कि हर तरीके से परिपूर्ण, इसी मंचूरिया को उज्ज्वल भविष्य का प्रदेश भी कहते हैं और सुरक्षित भंडार भी, भंडार का गोदाम भी कहता है। किसको सुरक्षित भंडार का गोदाम कहता है? मंचूरिया के औद्योगिक प्रदेश को। अब आता है औद्योगिक दृष्टि से मंचूरिया बहुत उन्नत है, अभी हमने आपको ये चीज़ें बताई। यहाँ के औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित कारक विशेष उत्तरदायी रहे हैं, कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर है कि कोयले की सुलभता, फर्स्ट नंबर में आपका आता है कोयले की सुलभता। सेकेंड नंबर आपका आता है औद्योगिक के लिए कच्चे माल की अधिकता। थर्ड नंबर में आपका आता है विस्तृत वाहन की व्यवस्था, यानी कि बड़ा, यानी कि विस्तृत परिवहन की व्यवस्था यहाँ पे निर्धारित है। फोर्थ नंबर आता है कि महत्वपूर्ण पोताश्रय एवं बंदरगाह जैसे मुकडेन, दायरेन एवं हार्बिन की अवस्थिति। उसके बाद फिर फाइव नंबर में आता है दोस्तों कि सरकार द्वारा समुचित संरक्षण। फिर आता है सिक्स नंबर पूर्व काल से ब्राह्य संबंध, यानी कि पहले से ही इसमें जो ब्राह्य की स्थिति है वो इसमें संबंध है। फिर आता है लोहा एवं इस्पात, यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है, यानी कहा जाता है कि लोहा और इस्पात यानी कि मंचूरिया का सबसे बृहद यानी कि सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। चीन के दो महत्वपूर्ण जो लोहा इस्पात प्रतिष्ठान आनसान आयरन वर्क्स एवं पिनसेहू आयरन से इसी प्रदेश में है। सोयाबीन तेल से तेल निकालना एवं खाद निर्माण करना यहाँ का अन्य महत्वपूर्ण उद्योग हैं। इनके अलावा जैसे सीमेंट हो गया, सूती वस्त्र हो गया, रेशम वस्त्र हो गया, उसमें चमड़े का सामान, चीनी साफ करना, साबुन का बनाना, मोमबत्ती मिट्टी का बर्तन, सिगरेट तांबा का तार आदि बनाने के कारखाने भी यहाँ हैं। चांगचुंग में चीन का बृहत्तम मोटर का निर्माण का कारखाना, यानी कि चांगचुंग प्रदेश है उसमें मोटर का निर्माण का कारखाना बनाया गया है जहाँ से हमारी गाड़ियाँ निकलती हैं। फिर आता है मंचूरिया औद्योगिक विकास में यातायात के मार्गों का महत्व रहा है। पहले रूसी एवं जापानी लोग अपने स्वार्थ के लिए यहाँ रेल मार्गों का निर्माण किए थे,
वर्तमान में यहाँ 12,800 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है, अर्थात पूरे चीन का एक तिहाई रेल मार्ग इसी प्रदेश में है। इसके अलावा इस प्रदेश में 24,000 किलोमीटर लंबी सड़क मार्ग भी है, जैसे सुगेरी, आमूर, बियान एवं उसूरी नदियों में नौ परिवहन की सुविधा है। दाई रेल, लुशुन, हुलुताऊ यानी कि यिंगकू, यहाँ के महत्वपूर्ण बंदरगाह भी स्थापित। तो इस तरीके से आपके महत्वपूर्ण बंदरगाह भी निर्धारित किए हैं। फिर आता है सेकंड नंबर प्रश्न कि चीन में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टियों का वर्णन कीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इससे पहले हमने आपको चीन के प्रमुख प्रदेश के बारे में, जो आपके लिए औद्योगिक मंचूरिया प्रदेश था, उसके बारे में बताया। अब आते हैं इसमें प्रमुख मिट्टियाँ, यानी कि चीन में जो प्रमुख पाई जाने वाली मिट्टियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम मिट्टी के बारे में जानेंगे कि पेडासोल पेडगल मिट्टी क्या है, चरजोना मिट्टी क्या है, चेस्टनेट मिट्टी क्या है। तो ये सारी मिट्टियाँ किस तरीके से वहाँ चीन में पाई जाती हैं, तो इसमें लिखेंगे आप लोग कि चीन में पाई जाने वाली मिट्टियाँ, हेडिंग डालेंगे सॉयल इन चाइना। चीन के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। थार्प महोदय जी ने के चीन में मिट्टियों का निम्नलिखित प्रकार में विभाजित किया है, वो कौन कौन से हैं। इसमें इन्होंने आ नंबर में निर्धारित किया है इनकी पेडाकल मिट्टियाँ। पेडाकल में तीन हैं। तो पहले फर्स्ट नंबर पर आता है तो चरजोनम मिट्टी, सेकंड में आती है चेस्टनट मिट्टी, और थर्ड नंबर में आती है लोएस मिट्टी। फोर्थ नंबर है इसमें सियांग चियांग मिट्टी। फाइव नंबर है मरुस्थलीय मिट्टी। सिक्स नंबर है चूनायुक्त कांप मिट्टी, और सेवन नंबर है लवणयुक्त जिसे कहते हैं सैलाइन एवं क्षारीय एल्काइलिन। तो ये आपके मिट्टी पाते हैं। और बारह नंबर में आता है पेडाल्फर मिट्टी, सेवन में पेडकार्फ बताया था, अब आता है पेडाल्फर मिट्टी। इसमें आता है एर्थ नंबर भूरी यानी ग्रे एवं बादामी मिट्टी पाई जाती है। नाइन्थ नंबर है बादामी मिट्टी। टेंथ नंबर है पर्पल यानी बैगनी एवं बादामी मिट्टी है। इलेवंथ नंबर है लाल मिट्टी। ट्वेल्थ नंबर है पीली मिट्टी, और थर्टीनथ नंबर है चूना रहित जलोढ़ मिट्टी। फिर आता है सात नंबर अन्य मिट्टी, यानी इसके इसमें आपको तीन तरीके से मिट्टियाँ और तीनों विभागों में आपको अलग अलग तरीके से पढ़ने को मिलेगा। अब जैसे सेक्शन यानी कि अन्य मिट्टी में आपका आता है रेंडी जीनास मिट्टी। अब पेडाकल मिट्टियाँ में यहाँ पे आपको निर्धारित की गई दोस्तों, पेडाकल मिट्टी में आ नंबर में फर्स्ट नंबर आपका चरजोनम मिट्टी है। चरजोनम मिट्टी क्या है दोस्तों, रूसी भाषा के शब्द। चरजोनम का अर्थ होता है काली मिट्टी, यानी कि रूसी भाषा का शब्द यहाँ पे चरजोनम का मतलब दिया गया है काली मिट्टी। यह मिट्टी उत्तरी मंचूरिया, आंतरिक मंगोलिया एवं उत्तरी पूर्वी तिब्बत में पाई जाती है। मंचूरिया की काली मिट्टी का क्षेत्र वस्तुतः यूक्रेन एवं दक्षिणी साइबेरिया रूस में काली मिट्टी का क्षेत्र का ही विस्तृत पूर्वी भाग है। अल्पवृष्टि वार्षिक यानी वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम के कारण इस मिट्टी की ऊपरी परत का अपक्षालन अत्यल्प हुआ है। ऊपरी परत में जीवांश एवं अद्रवित धातु का मात्रा अधिक होने के कारण मिट्टी का रंग काला हो गया है, और यह मिट्टी विश्व का उर्वरतम मिट्टियों में से है। तथापि इस मिट्टी के क्षेत्र में अल्प एवं अनिश्चित वर्षा के कारण सामान्यतः छोटी घासें अथवा स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती हैं। इस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई आवश्यक है। जहां सिंचाई संभव है वहां गेहूं, सोयाबीन, केओलिन, ज्वार एवं बाजरा का उत्पादन होता है। फिर आता है सेकंड नंबर आपका आता है चेस्टनट मिट्टी। चेस्टनट मिट्टी में आएगा इसमें कि यह मिट्टी मुख्यतः मंचूरिया, उत्तर पश्चिमी एवं पूर्वी तिब्बत, सिक्यांग एवं पूर्वी मंगोलिया में पाई जाती है। इस क्षेत्र में अल्पवृष्टि यानी कि वार्षिक वर्षा जो है वो 30 सेंटीमीटर के कारण अपक्षालन कम होता है, और इस मिट्टी में चूने की मात्रा अधिक और जैविक तत्वों की मात्रा अल्प है। यानी यह मिट्टी बादामी रंग की है, और अत्यल्प यह अनिश्चित वर्षा के कारण यह मिट्टी अकृष्य है। फिर आता है थर्ड नंबर लोएस मिट्टी। लोएस मिट्टी किस तरीके से है दोस्तों, इसमें आएगा आपका, इसमें लिखेंगे आप लोग कि उत्तरी चीन के कांसू यानी कि कांसू, सांसी, सेंसी और होनान प्रांतों में फैली ये मिट्टियाँ विश्व में वायुढ़ मिट्टी के बृहत्तम क्षेत्र निक्षेप में से 30,000 से 80,000 मीटर तक मोटी, जो उत्तर पश्चिम के मरु एवं अर्ध मरु प्रदेशों में पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई यह निक्षेपित हैं।
चीन के स्टेपी भाग की घासें लोयस के निक्षेप में अत्यंत सहायक होती हैं। लोयस में क्वार्ट्ज, फेल्सपार, अभ्रक तथा कैल्साइट आदि खनिजों का मिश्रण पाया जाता है। इस मिट्टी का रंग पीला है। यह अत्यंत कोमल, पारगम्य, हल्का, उपजाऊ एवं आसानी से जोतने योग्य मिट्टी है, जिस पर नवपाषाणकालीन चीनी कृषकों ने सर्वप्रथम कृषि प्रारंभ किया था। उसके बाद आता है फोर्थ नंबर आपका सियांग मिट्टी, यानी कि सियाचियांग मिट्टी। यह कौन सी मिट्टी होती है दोस्तों? इसमें आपका आता है कि उत्तरी चीन की समतल भूमि में विकसित यह विचित्र प्रकार की मिट्टी विश्व में अन्यत्र अलभ्य है। इस मिट्टी के क्षेत्र में जल प्लावन की वार्षिक आवृत्ति होती है तथा भूगर्भिक जल तल भूपृष्ठ के निकट रहता है और इस मिट्टी के निचले भाग में लौह एवं मैग्नीज मिश्रित चूना संचित होता है। आद्र रहने पर सियाचियांग मिट्टी चिपचिपी एवं भारी हो जाती है, जबकि शुष्क होने पर इतनी कठोर हो जाती है कि इसकी जुताई असंभव हो जाती है। यानी कि टोटल बात करें जो सियाचियांग मिट्टी होती है, इसमें लौह और मैग्नीज मिश्रित चूना संचित होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बताया गया है। फिर आता है फाइव नंबर मरुस्थलीय मिट्टी। इसमें आपका आता है कि सामान्यतः हल्के कण रसायन जिसे टेक्सचर कहते हैं वाली पतली और भूरे अथवा पीले वाले एवं भूरे रंग की मिट्टियाँ कांसू, आंतरिक मंगोलिया और सिक्यांग के मरु प्रदेशों में पाई जाती हैं, यानी कि मरु प्रदेशों में पाई जाती हैं। अतः अति शुष्क क्षेत्रों में भूरी मिट्टी तथा अपेक्षाकृत आर्द्र क्षेत्रों में पीली एवं भूरी मिट्टी का विस्तार है। अति शुष्क एवं आंतरिक अपवाह वाले क्षेत्रों में भूपृष्ठ पर नमक की परत का निक्षेपण हो गया है और इस मिट्टी की ऊपरी परत चूना एवं क्षारीय लवण की मात्रा इतनी अधिक है कि कोशिका क्रिया एवं वाष्पीकरण के फलस्वरूप भूपृष्ठ पर एक कठोर आवरण सृजित हो गया है। मर उद्यानों में सिंचाई द्वारा इस मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले रेह रहित रखने का प्रयास जारी है। अन्यथा विस्तृत क्षेत्र पशुचारण के भी अनुपयुक्त है। आता है सिक्स नंबर चूनायुक्त कांप मिट्टी। इसमें आता है कि उत्तरी चीन में नदियों के प्रकृति तटबंधों पर पाई जाने वाली चूनायुक्त कांप मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक है। हवा के द्वारा उड़ाकर लाए गए बालू के लिए निक्षेपण से धनुषाकार टीलों का निर्माण होता है। तत्पश्चात समीपवर्ती क्षेत्र टीले के बालू से अनच्छादित हो जाता है, फलस्वरूप कृषि भूमि अकृषि भूमि में परिवर्तित हो जाता है। फिर आता है सेवन नंबर लवण युक्त एवं क्षारीय मिट्टी। इसमें आपका आता है कि इस प्रकार की मिट्टियों का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहाँ कोशिका क्रिया द्वारा भूमिगत जल भूपृष्ठ तक ऊपर उठकर वाष्पीकरण द्वारा सूख जाता है। पीत समतल भूमि, मंचूरिया समतल भूमि के पश्चिमी भाग, तिब्बत के कुछ भागों एवं सिक्यांग के विस्तृत क्षेत्र पर लवण युक्त एवं क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी भाग में मिट्टियाँ जो है वो संघाई में उत्तर मंचूरिया तथा मंगोलिया के क्षेत्र एवं दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में फैली हुई हैं। ये सामान्यतः कम उपजाऊ वाली मिट्टियाँ होती हैं। इन्हें कृषि योग्य बनाने के लिए प्रयत्न जारी है। फिर आता है बारह नंबर आपका पेडाल्फर मिट्टियाँ। इसे पॉडकास्ट हमने आपको बता ही दिया है, अब आता है पेडाल्फर मिट्टियाँ। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो को जरूर शेयर करते रहिए दोस्तों, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है इसमें सारे प्रश्न आपके पेपर से निहित है और एक एक चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आपको कापी लिखने और पढ़ने में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सहायक होगा। अब जैसे आपका आ गया एट्थ नंबर भूरी एवं बादामी मिट्टी। इसमें आपका आएगा दोस्तों, इसमें लिखेंगे कि मध्य एवं दक्षिणी चीन के पर्वतीय क्षेत्रों तथा उत्तरी पूर्वी और उत्तरी पूर्वी मंचूरिया में भूरी बादामी मिट्टियां पाई जाती हैं। इसके अंतर्गत अच्छे दक्षिणी चीन के अनेक स्थानीय मिट्टियाँ सम्मिलित हैं और ये मिट्टियाँ पाटजोल प्रकार की हैं जिसमें अपछालन के कारण चूने की मात्रा न्यून है। इस मिट्टी की उर्वरता मध्यम प्रकार की है और इसकी जो निचली परत पंक्तियुक्त है यह मिट्टी धान की कृषि के लिए अत्युपयोगी है। जेचुआन बेसिन के पश्चिमी, उत्तरी एवं पूर्वी पर्वतीय ढालों तथा हुए हुनान, चेकियांग एवं फुकियन प्रांतों की उच्च भूमियों में
भूरी बादामी मिट्टियाँ पहले यानी कि वनाच्छादित थी, लेकिन अब वनोन्मूलन हो गया है, यानी वनोन्मूलन हो गया है। दक्षिण की मिट्टियाँ की अपेक्षा ये मिट्टियाँ कम अवक्षलित और फलतः कम अम्लयुक्त होती हैं। फिर आता है 9th नंबर बादामी युक्त मिट्टी। अब जो बादामी मिट्टी है वो किस प्रकार की होती है, ये इसमें लिखेंगे कि यह चीन की एक विचित्र प्रकार की पहाड़ी मिट्टी है जो जांडुंग, जेहोल एवं समीपवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी के क्षेत्र में मिश्रित वन पाए जाते हैं। यह मिट्टी फलदार वृक्षों के लिए अति उपयोगी है और इस मिट्टी में शीत ऋतु में गेहूं और ग्रीष्म ऋतु में केओलिन की कृषि की जाती है। फिर आता है 10th नंबर बैगनी एवं बादामी मिट्टी। इसमें लिखेंगे कि उत्तरी चीन का जो पेडाकल और दक्षिणी चीन की पेडाल्फर मिट्टिया के मध्यस्थ क्षेत्र में मिट्टी के निर्माण और अपक्षालन प्रक्रिया में संतुलन होने के फलस्वरूप बैगनी एवं बादामी मिट्टियों का सृजन हुआ है, जिस कारण ये संभावी जो है नेचुरल मिट्टियाँ होती हैं वो यानी कि संभावी मिट्टियाँ कहलाती हैं। जेचवान बेसिन का जो नीला रूढ़ है जिसे बैगनी कहते हैं एवं भूरी वन्य मिट्टियाँ संभावी हैं और इस मिट्टी में चूने की मात्रा मध्यम है। यह कृषि के लिए ही बहुत ही उपयोगी है। होनान, होपे एवं सांतुंग के उच्च भागों में भी मिट्टी की क्षारीयता और अम्लता के बीच संतुलन रहने में बैगनी मिट्टियां सम्मिलित हैं। फिर आता है 11th नंबर लाल मिट्टी जिसे कहते हैं रेड सॉयल। इसमें आएगा कि इसे लैटेराइट मिट्टी भी कहते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, लाल मिट्टी को हम लैटेराइट भी मिट्टी कहते हैं और इस मिट्टी की ऊपरी परत में लौहांश अधिक होने के कारण इसका रंग है वो लाल हो गया है। इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में हुआ है जहाँ की जलवायु उष्णार्ध होने के साथ साथ एक निश्चित आर्द्र एवं एक शुष्क ऋतु होती है। इस प्रकार की मिट्टी चीन के दक्षिणी पूर्वी भाग, हाइनान द्वीप, ताइवान के अधिकांश भाग तथा यूनान पठार के दक्षिणी पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में पाया जाता है। दक्षिणी चीन में उष्णार्ध जलवायु में पहाड़ों पर विकसित अम्लयुक्त मिट्टियाँ लैटेराइटी हैं। कहीं कहीं धरातल और लौहांश युक्त मिट्टियों की परत विकसित है जिसे हम फ्रेंच भूगोलवेत्ता यानी कि गोरो जी ने मिट्टी की कोढ़ कहा है। पुरानी लैटेराइट मिट्टी वो अनुपजाऊ होने से कृषि की अनुपयोगी है और घाटियों में नई उपजाऊ जलोढ़ लैटेराइट मिट्टी कृषि के लिए उपयोगी है जिसमें धान, गेहूं, चाय, आलू आदि पैदा किए जाते हैं। फिर आता है 11th नंबर पीली मिट्टी। अब पीली मिट्टी की क्या होती, कैसे होती है दोस्तों, यहाँ पे इनकी क्या मोस्ट टॉपिक है, इसमें इनकी क्या वैरीता है। इसमें लिखेंगे कि यह अम्लयुक्त मिट्टी यूनान पठार, क्वाची चाऊ पठार, जेचुआन प्रदेश, गुयांजी एवं यूनान प्रदेश में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा की जो मात्रा है वार्षिक वो 100 सेंटीमीटर से अथवा उससे अधिक तथा आवर्ष उच्च तापन के कारण पीली मिट्टी विकसित हुई है। यह अपेक्षाकृत उपजाऊ मिट्टी है और इस मिट्टी में धान, गेहूं, चाय, तुंग, वृक्ष आदि उत्पन्न होते हैं। फिर आता है 13th नंबर चूना रहित जलोढ़ मिट्टी। इसमें आता है कि निचली यांगट्सी घाटी के डेल्टाई भाग एवं बाढ़ के मैदान में तथा हवाई घाटी में पाई जाने वाली चूना रहित कांप मिट्टी अधिकतर संभावी, हल्की और अत्यंत उपजाऊ है, जबकि जैविक तत्वों की प्रधानता के कारण इस मिट्टी का रंग गाढ़ा है और यह मिट्टी धान की कृषि के लिए अति उपयोगी है, यानी कि अति उपयोगी है। अतिवृष्टि के कारण इस मिट्टी का अपक्षालन अधिक होता है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार की मिट्टियां हमने आपको बताया। फिर आता है खंड, इसमें आपका सा नंबर है अन्य मिट्टी। अन्य मिट्टियां में आपका आता है रेडी जीनास मिट्टी। ये किस तरीके से रेडी जीनास मिट्टी, इसमें आता है कि उत्तरी चीन का पेडिकल यानी कि पेडाकल और दक्षिणी चीन का पेडाल्फर मिट्टियों के मध्यस्थ जो गोयांगजी एवं क्वाईचाऊ प्रदेश की उच्च भूमियों में रेंडी चिनास नामक गहरे रंग की मिट्टी पाई जाती है और यह मिट्टी सामान्यतः चूना पत्थर से निर्मित है जिसकी पार्श्विका अविकसित है और स्थानीय निवासी इसे मकई की मिट्टी कहते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे क्या कहते हैं, इसमें आपका ऑप्शनल भी क्वेश्चन बहुत सारे बने हैं, जैसे मकई का मिट्टी के नाम से किस मिट्टी को जाने जाते हैं। तो 1st नंबर आपका आंसर, अगर आपको पता है कि रेंडी बिनास मिट्टी को हम क्या कहते हैं,
मकई की मिट्टी के नाम उपनाम से जाने जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आज के इस पेपर में हमने सारे प्रश्न आपको एक एक करके बताया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए। और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल आप फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मज़े से पढ़िए क्योंकि हम आपके साथ हैं। और आपको जो भी कमेंट बॉक्स में जो भी आपको चाहिए हो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपको आपकी ज़रूरतें ज़रूर पूरा करने का प्रयास करेंगे और अच्छे से तैयारी भी कराएंगे। तो दोस्तों अगली वीडियो तक ज़रूर इंतज़ार करिए, अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ और कुछ नए टॉपिक के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। और इसका अगर आप लोग ग्रुप वाइज पढ़ाई करना चाहते हैं तो WhatsApp का भी लिंक अपडेट करा दिया गया, जैसा भी पढ़ना चाहेंगे आप पढ़ सकते हैं, Facebook, Twitter, जो भी जैसे भी पढ़ना चाहते हैं सारे से अपडेट कराते रहते हैं। और अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर से उपस्थित हैं। धन्यवाद दोस्तों।